तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हैथवे केबल के स्टॉक के बारे में। हैथवे केबल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पर रिकवर करने की भी कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर स्टॉक अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट की देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 1.50% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हमें स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 19.50 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 18.65, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 17.90 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 17.25 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 20.75 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 22.30 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 23.90, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 25 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 27, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 29 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 31 और 33-34 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।